हाँ जी क्या कहा? आगे वालों को नहीं सुनाई पड़ा, मेरी बात छोड़ दो। हाँ जो गुर्जर जाति का कभी बाबा कहते हैं आते हैं ब्रह्मा बाबा, कभी इसे दो तीन बार जब मिला गया है ऐसा लिखा गया है, एक बार नहीं दो तीन बार मिलेगा कि मेरे को मिलता है ब्रह्मा बाबा जो आते हैं गुर्जर जाति का शरीर गिरता है तीन बार। हाँ जब भूत प्रेत प्रवेश करते हैं तो हिलाई देते हैं कि नहीं शरीर को, हैं? लेकिन दो तीन बार ऐसे हिलता है ना, पहले एक बार देखा गया था, मैंने तीन तीन बार दो दो बार। वो पावरफुल आत्मा है, भूत प्रेतों का भूतनाथ है या साधारण आत्मा है, कौन है? हैं? वो तो दमदार आत्मा है ना, उसको और धर्म पिताओं ने धर्म ग्रंथों में उसका नाम दिया है जबराली। क्या? जबराइल, जबरदस्त है, कैसे कैसे काम करने वाला है, हैं? जबरदस्त काम करने वाला है तो पावरफुल होगा या लुंजुम बुंजुम भूत होगा, है? हाँ, उस भूत को कोई औलिया कंट्रोल कर पाएगा? है? कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। और बाबा निराकारी निरसंकल्पी और आत्मा भी मालिक, आत्मा का मालिक निराकारी स्थिति निसंकल्प निसंकल्प आत्मा भी मालिक, आत्मा का मालिक आत्माभिमानी, एक ही बात तो है, आत्माभिमानी है और देह अभिमानी है। देह अभिमानी को अपनी और पराई देह याद होगी कि आत्मा याद होगी, है? या तो अपनी देह देखेगा या तो औरों की देह देखेगा। आत्माभिमानी है, अपन को भी आत्मा ही देखेगा औरों को भी आत्मा ही देखेगा, कोई संकल्प नहीं चलाएगा। बाबा जो आत्मा डायरेक्ट आत्मा ज्ञान में आते हैं और शिव बाबा को अपना सर्वस्व मानते हैं, तो क्या उनका संबंध दिखे पार्टी कभी आया था तो किस जन्म में, क्या वो आत्मा ने देखे में कभी इतना ज्ञान लिया था? हाँ, जो भी एडवांस में आते हैं जिनकी एज 70-72 साल से कम है, नहीं उससे ज्यादा है, तो वो यज्ञ के आदि में थे जरूर, अभी फिर दोबारा जन्म लेकर आए। हाँ पूछ क्या रहे थे? उनका संबंध डीके पार्टी से कभी आया था? हाँ आया था, तो किस जन्म में? पूर्व जन्म में। क्या उस आत्मा ने डीके में कभी जन्म लिया था? हाँ ऐसे बहुत हैं, 70 साल के बाद ही आने वालों की बात हुई कि वो जरूर बीके बने। और 70 साल के पहले जो आए और वो तो ज्ञान में ही नहीं है, आदि में ज्ञान में भले नहीं थे लेकिन राम वाली आत्मा के साथ जरूर थे। और कई कई से राम को 14 साल वनवास भुगतना पड़ा। हाँ? तो बाबा कई कई का पार्ट किसका हुआ, रावण से उसका संबंध क्या था? कई कई का पार्ट उसी का हुआ जिसकी वजह से सीता को रावण ले गया। सीता को कौन ले गया? रावण विविचारी था या विविचारी था? हैं? विविचारी था, तो विविचारी को प्राप्ति कराने वाला
व्यभिचारी होगा या अव्यभिचारी होगा? है व्यभिचारी होगा, तो उसका नाम क्या पड़ गया? कई कई या एक? है कई कई। एक से काम नहीं चलता उसका जिंदगी में, क्या कई कई। और रावण संप्रदाय उसकी मति को भ्रष्ट कर देता है। और बौद्ध और क्राइस्ट धर्मगुरु भारत में आए तो भारत के बौद्धी और क्राइस्ट कन्वर्टेड है या विदेश के बौद्धी क्राइस्ट कन्वर्टेड है? भारत से विदेश में उनकी आबादी ज्यादा कैसी हुई? क्या भारत के बौद्धी ख्रिस्ती सूर्यवंशी सरवंशी है या चंद्रवंशी है? क्या दोनों वंशों के नहीं है? बौद्धी तो बौद्धी वंश के हुए ना, बौद्धी सूर्यवंशी कैसे होंगे? है जब नाम ही है उनका बौद्धी वंशी, तो बौद्धी बौद्ध धर्म का और क्राइस्ट धर्म का धर्मगुरु तो भारत में ही आए ना। अच्छा ठीक है, भारत में आए, लेकिन भारत में जो आए वो सारे के सारे सूर्यवंशी होते हैं क्या? आज के भारत की संख्या कितनी है? है? कितनी है संख्या? है 125 करोड़। तो भारत में आने की बात नहीं है, आते तो बहुत हैं भारत में, लेकिन दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनको पक्का भारतवासी थोड़े ही कहेंगे। कर्ण सूर्यपुत्र पांडव का बड़ा भाई था। कौन? बड़ा भाई पांडव का साथ देने बदले दुर्योधन का साथ क्यों दिया? हाँ, बड़ा भाई होने के नाम वो पांडवों की गवर्नमेंट चलाने लायक था क्या? अगर होता तो उनको परमात्मा से मान्यता मिलती थी क्या? परमात्मा से हाँ। अगर मगर की बात भगवान के लिए होती है क्या? है भगवान के लिए भी अगर मगर होता है? अगर ऐसा होता मगर वैसा होता, ये भाषा किसकी है? अज्ञानियों की है या शिव बाबा की है? अज्ञानियों की है। वहां अगर मगर की बात नहीं, बाकी रही कर्ण की बात, तो कर्ण पांडवों से पहले जन्म लेने वाला है या बाद में जन्म लेने वाला था? तो हमको तो पता है, आज की मुरली में ही क्लियर हो गया, पहले पहले बाप से किसने जन्म लिया? किसने जन्म लिया? अरे बताओ ना, सुना नहीं ध्यान से? मुरली में ये बात क्लियर की कि ब्रह्मा का जन्म पहले किससे हुआ? है हाँ, बाप उसका नाम क्या? बाप का है प्रजापिता से हुआ ना, प्रजापिता से पहले पहले किसका जन्म हुआ? राधा का हुआ या कृष्ण वाली आत्मा का हुआ? ब्रह्मा का हुआ। तो ब्रह्मा कौरवों को सपोर्ट करने वाले थे या पांडवों को सपोर्ट कर रहे हैं? तो किसका पार्ट हुआ? है उन्हीं का पार्ट हुआ। और सबसे ज्यादा सुनने वाले बड़े कान किसके थे? है ब्रह्मा के। तो नाम क्या पड़ा? कर्ण माने कान। तो जिसने सबसे ज्यादा सुना, सबसे पहले उनके कान सुनते थे, तो उनका नाम पड़ गया कर्ण। उन्होंने सपोर्ट किया कौरवों को, आज भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आज भी कौरवों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कौरवों को जिसने सबसे जास्ती बल दिया, उसका नाम क्या हुआ? कर्ण। कर्ण ने सबसे जास्ती सपोर्ट किया या भीष्म पितामह ने सबसे जास्ती सपोर्ट किया? भीष्म पितामह तो फिर भी दिल से किसके थे? पांडवों के थे।
उसका सूर्य पुत्र क्यों कहा जाता? सूर्य का पुत्र नहीं था। सूर्य कौन है और सागर कौन है? कौन है सूर्य? सूर्य पृथ्वी के माता के नजदीक रहता है या सागर माता से चिपट के रहता है? तो कौन है? अरे सूर्य कौन है? है सूर्य कभी अंधेरे में आता है या सागर अंधेरे में आता है? हमेशा सागर हमेशा अंधेरे में आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। और सूर्य कभी भी अंधेरे में नहीं आता। तो सागर का पार्ट किसका है और सूर्य का पार्ट किसका है? है हाँ हाँ, शिव ज्ञान सूर्य है, वो सदैव ज्ञानी है। 5000 वर्ष के ड्रामा में 1 सेकंड के लिए भी वो अज्ञानी नहीं है। ज्ञान इमर्ज होता है संगम युग में। तो किसका पुत्र था कर्ण? है अरे सागर का पुत्र था। है सागर ने उसको ज्ञान दिया कि तुम कृष्ण की आत्मा हो, सत्युग में जाके जन्म लोगे। किसने ज्ञान दिया? है किसने ज्ञान दिया? अरे सर हिलाने से, प्रश्न किया है तो जवाब भी तुम ही दो। ज्ञान सूर्य शिव ने प्रजापिता में प्रवेश करके ब्रह्मा की सोल, दादा लेखराज की सोल को ये ज्ञान कराया कि तुम सत्युग में जन्म लेने वाली कृष्ण की आत्मा हो और संगम युग में तुमको ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाना है। तो किसका बच्चा हुआ? है प्रजापिता का बच्चा हुआ या ज्ञान सूर्य का बच्चा हुआ? है प्रजापिता को ज्ञान सूर्य कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो सूर्य का ही तो पुत्र था, नहीं था? अच्छा हाँ हाँ। भाई ने संदेश दिया तो फिर वो विस्ती रेल के डिपेंडिंग ज्ञान में नहीं चलता है, तो विस्ती में देख कर वो बाबा को साक्षात में याद करेगा तो उसके विक्रम को मिला होगी। संदेश लेकर सिर्फ अभिमूर्ति और लास्ट अगर समय सुनता है तो बाबा को माना वो साक्षात में याद करेगा तो उसके विक्रम मिला होते रहेंगे। माने जिंदगी में कभी भी साकार बाबा को नहीं देखेगा, उनके पास नहीं जाएगा। हैं? ये पक्का है। अभी बीके के प्रभाव में है तो बीके वालों की प्रजा बन रहा है, लेकिन क्या ये पक्का है कि वो अपनी जिंदगी में कभी बाप के सामने नहीं जाएगा? अरे जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। जब जाएगा तो बाप का बच्चा भी बनेगा। प्रैक्टिकल में बच्चा बनना पड़े या सिर्फ कहने कहने के लिए? जब बच्चा कोई आत्मा बनती है तो बाप के घर में जाके जन्म भी लेती है। 9 महीने पेट में रहना पड़ता है कि नहीं? वो हद का बच्चा होता है और ये बेहद का बच्चा बनने की बात है। एक दिन आना, एक दिन जाना और 7 दिन वहां रहना, वहीं अंदर अंदर खाना, वहीं अंदर अंदर पीना। बाहर की दुनिया बच्चा देखता है गर्भ में? हैं? तो भट्टी में भी बाहर की दुनिया तो देखने को नहीं मिलती। और बाबा ये मूर्ति में ब्रह्मा और शंकर को बैठा हुआ दिखाया? हाँ, ब्रह्मा और शंकर को बैठा हुआ दिखाया। और बैठा हुआ क्यों दिखाया? बैठा हुआ क्यों दिखाया? कोई खड़े खड़े थक जाएगा तो क्या करेगा? है बताओ क्या करेगा? बैठेगा कि नहीं बैठेगा? बैठेगा तो जरूर, चलो लेटेगा नहीं, लेकिन कम से कम बैठेगा तो ना। टांगों को थोड़ा तो आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? है बैठे बैठे दौड़ लगाएगा? है
बैठे बैठे तो दौड़ नहीं लगा सकता, अगर खड़ा हुआ है अलर्ट होकर के तो उसे जैसे ही नंबर मिलेगा एक दो तीन तो दौड़ पड़ेगा कि नहीं दौड़ पड़ेगा, दौड़ पड़ेगा। तो विष्णु को खड़ा हुआ दिखाया, माने पुरुषार्थ में वो सदैव दौड़ने की स्टेज में अलर्ट खड़ा है, और ब्रह्मा और शंकर है बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं, क्यों बैठ जाते हैं? चलो ब्रह्मा बैठ जाते हैं वो तो ठीक, उनका तो हार्ट फेल हो गया बैठ गए, शंकर जी क्यों बैठ गए? ये अंतिम स्टेज में बैठे हुए दिखाया है, याद में बैठ गए हैं। याद खड़े खड़े होके नहीं की जा सकती है, क्यों बैठ गए? अरे शंकर जिसको शरीर दिखाया है वो आत्मा किसकी है? है? अरे किसकी आत्मा है? और ब्रह्मा जिसको बैठे हुए दिखाया है वो आत्मा किसकी है? वो कृष्ण की आत्मा है। और शंकर राम वाली आत्मा है। तो राम वाली आत्मा के लिए थक के बैठ जाने की बात कुछ मुरली में आई है कि नहीं आई है? राम फेल हो गया, आदि में भी क्या हुआ? आदि में भी फेल हो गया। और जब इस सृष्टि का अंत होगा सन 3600 होगा, क्या कौन सा टाइम आएगा उसे अंत कहेंगे या नहीं है? उस अंतिम क्षण में वो फेल होगा या पास होगा? पास हो जाएगा है। वो पिछले कल्प की अंतिम क्षण कही जाएगी या जो नया आने वाला कल्प है नई दुनिया है उसका फर्स्ट क्षण कहा जाएगा है? अंतिम क्षण कही जाएगी। पुरानी दुनिया जब पूरी खत्म होती है तो उस अंतिम क्षण में भी क्या कहेंगे? आदि में क्या हुआ? राम फेल हो गया। तो अंत में भी जो आदि में होता है वही तो अंत में होता है कि नहीं होता है? होता है। तो आदि में फेल हो गया तो अंत में भी फेल हो गया, लेकिन उस अंत समय को फाइनल पेपर का रिजल्ट कहेंगे? कहेंगे है? फाइनल पेपर का रिजल्ट पहले ही निकल जाता है या सन 36 में निकलेगा है? वो तो पहले ही निकल जाता है। बाकी जो आदि में हुआ सो अंत में तो जरूर होना है। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया कलयुग के अंत में किसका संप्रदाय बन जाती है? रावण का संप्रदाय बन जाती है, राक्षस बन जाती है। तो वो सारी दुनिया जो राक्षस बन जाती है उनका भी कोई बाप होना चाहिए कि नहीं है? बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, तो एक का बाप है या विश्व का पिता है? विश्व की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं का पिता है, वो चाहे देवताएं हों चाहे राक्षस संप्रदाय हों, सबका बाप है। तो राक्षसों का भी बाप है या नहीं? तो ज्यादा पावरफुल होना चाहिए या नहीं? ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। तो वो अच्छे से अच्छों का भी बाप है और बुरे से बुरों का भी बाप है। और हाँ, आज की बोली में बोला है कि साक्षात्कार शिव भाव भी चाहते कैसे? भक्तों का भगवान किसे कहेंगे? भक्तों का भगवान, भगवान ज्ञानियों का ही उद्धार करता है या भक्तों का भी उद्धार करता है? भक्तों का भी उद्धार करता है। शिव बाप आकर के ज्ञानी बच्चों को जन्म देते हैं या अज्ञानी बच्चों को भी जन्म देते हैं? हैं? हैं?
ज्ञानी बच्चों को भी जन्म देते हैं और जो भक्त हैं जिन्हें अज्ञानी कहा जाता है उनको भी जन्म देते हैं या नहीं देते हैं? अच्छा, वो निराकार देते हैं, ज्ञान सूर्य उनको जन्म देते हैं, या साकार में वो आता है तब जन्म देते हैं? तो बाप के वारसदार बच्चे भी होते हैं, जो राजा महाराजा रानी महारानी भी बनते हैं, बाप के प्रजा भी होती है, बाप के पदाधीश भी होते हैं, राज्य का संचालन करने वाले ऑफिसर्स चाहिए या नहीं चाहिए? वो भी चाहिए। और बाप की प्रजा ऊंची होती है कि भक्त ऊंचे होते हैं? है? प्रजा ऊंची होती है, भक्तों को ऊंचा नहीं कहेंगे, क्योंकि वे बाप का वर्षा नहीं लेते हैं। वो भक्त सतयुग के पहले जन्म में आने वाले होते हैं या बाद वाले जन्मों में आते हैं? पहले वाले जन्म में नहीं आ सकते, क्योंकि पहले जन्म में तो सात सूर्यवंशी होने चाहिए। हाँ, जो भक्त बनते हैं बाप को नहीं पहचान पाते, वो दूसरे धर्मों के प्रभाव में आते होंगे या नहीं आते होंगे? दूसरे धर्मों के प्रभाव में आ जाते हैं। तो उनमें से जो अच्छे अच्छे हैं भक्त, अभिविचारी भक्ति में विश्वास रखने वाले, वो बाप के भक्त हैं। कौन से बाप के? निराकार ज्योतिबिंदु बाप के, या वो निराकार ज्योतिबिंदु जिस साकार मुकर्र रथ में प्रवेश करता है उसके भक्त बनते हैं? किसके पीछे उनकी बुद्धि भागती है? हैं? निराकार के पीछे भागती है? अरे निराकार को तो, बिंदु को तो अंत समय में जब भगदड़ मचेगी तो अच्छे अच्छे नहीं याद कर पाएंगे। करेंगे याद? सारी दुनिया किसको याद करेगी? वो सहज है याद करना, साकार में निराकार को याद करना सहज है, लेकिन जो साकार में निराकार को भी याद नहीं कर पाते, साकार उनको जरूर याद रह जाता है। उन्हें ज्ञानी कहें या भक्त कहें, वो तो भक्त हो गए। तो ऐसे जो भक्त हैं, भले भगवान से वर्षा नहीं पाते हैं पहले जन्म का, सूर्यवंशी नहीं बनते हैं, लेकिन भगवान उनसे प्रसन्न होता है या नहीं होता है? फिर भी प्रसन्न होता है, कुछ न कुछ प्राप्ति करते हैं। और यहाँ कोई भी ऐसे नहीं है जिन्होंने घरघाट छोड़ा हो, बाल बच्चों को छोड़ा हो, पति को भी छोड़ा हो, अब बाप के घर में आके बैठ गए हो, पति की इच्छा हो या ना हो, जबरियन बैठ के लिखाई लिया हो, हैं? या लिखाने की इच्छा रखते हो, आज नहीं तो कल, हम लिखवा के मानेंगे, या भविष्य में आगे चल करके कोई निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? हैं? निकलेंगे, क्योंकि बीज रूप आत्माएं हैं ये, तो बीजों में सब तरह के बीज होंगे या एक तरह के बीज होंगे? सब तरह के बीज होंगे। हाँ बाबा, सेवक राम की लाश भी गुम कर दी ना आदि में,
तो ये शूटिंग पीरियड में याद आएगा ना प्रजापिता को, शूटिंग पीरियड में प्रजापिता को याद आएगा? अभी याद नहीं आ रहा होगा, अभी बुद्धू है। नहीं, वो क्षण में वो चेहरा वो मोहरा, वो चेहरा वो मोहरा अंतिम जन्म का। अच्छा, अंतिम जन्म पहले याद आना चाहिए या सृष्टि का पहला सतोप्रधान जन्म याद आना चाहिए? है पहला जन्म पहले याद आएगा, वो जन्म जो लास्ट तमो प्रधान जन्म है वो पहले याद आना चाहिए या बाद में आना चाहिए? है वो बाद में याद आएगा। और है बाप का कायदा है, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही सुरुचि बनेंगे, अच्छे अच्छे पढ़ेंगे, अच्छे पढ़ेंगे। तो ये पढ़ाई का मतलब चारों सब्जेक्ट पे क्या, ज्ञान योग धारणा सेवा? मुख्य सब्जेक्ट कौन सा बताया? अगर याद पक्की है माना बीज रूपी स्टेज में जो टिकने वाला होगा वो बाप की पक्की याद में होगा या कच्ची याद में होगा? तो जो मुख्य सब्जेक्ट में पास वो पास होगा या फेल हो जाएगा? पास ही कहा जाएगा। बाकी रहे चार तीन और सब्जेक्ट, जो तीन सब्जेक्ट हैं उनमें कोई पास है और बाप की पहचान पूरी नहीं हुई है, तो उसकी जो याद की स्टेज है वो सहज होगी या कठिन होगी? हैं? थोड़ी कठिन हो जाएगी। इसलिए चारों सब्जेक्ट में पास तब होगा ना जब बाप की पहचान हो जाए। पहचान होते ही धारणा में जो पास है वो आगे चला जाएगा या पीछे रहेगा? आगे चला जाएगा। रुद्रमाला धारणाओं में आगे जाती है या विजयमाला धारणाओं में आगे जाती है? विजयमाला प्योरिटी में आगे होती है। विजयमाला वाले ही पक्के चंद्रवंशी हैं, ब्रह्मा को फॉलो करने वाले। जो और धर्मों के आधार मूर्त हैं वो पक्के चंद्रवंशी भी नहीं है और बाप की पहचान भी उनको अंत में नहीं मिलती है, बाद में मिलती है। इसलिए ऐसे नहीं समझना चाहिए कि बेसिक में सब विजयमाला के मणके बन जाएंगे, सब पक्के चंद्रवंशी हैं, कि दूसरे वंश के भी आधार मूर्त हैं या नहीं है? हैं। अभी भी 90% और धर्मों के आधार मूर्त हैं और सिर्फ 10% हैं जो पक्के चंद्रवंशी हैं और अंत में निकलेंगे, झुंड का झुंड बना के निकलेंगे। और भागवत होगी तो आज क्या पहले होगी क्या बाद में? भागवत माना क्या? भाग गई, कन्या माता के पास भाग के आ गई। अच्छा, अभी भाग के आने वालों की लिस्ट नहीं है? हैं? कम है? हैं? थोड़े हैं तो मानेंगे नहीं, और ज्यादा होंगे तब मानेंगे। हैं? माने पांच पांडवों की संख्या को नहीं महत्व देंगे, जब ज्यादा हो जाएंगे तब मानेंगे। ऐसे है जो गायन है भागवत का,
वो उसी समय का गायन है। जब कृष्ण बच्चा था और बच्चे से नौजवान बन गया, तो जब नौजवान बन गया उस परिपक्व स्टेज में भागवत में भागने वालों की संख्या ज्यादा दिखाई गई है या नौजवान बनने के बाद जब राक्षसी संप्रदायों के हनन के लिए चला गया तब संख्या ज्यादा दिखाई गई है? है? हाँ, कृष्ण को शैशव अवस्था में संख्या नहीं दिखाई। कब दिखाई गई है? जो किशोरावस्था है, जब नौजवान बनने वाला होता है पक्का, उस समय संख्या दिखाई गई। तो अभी जो संगमयुगी कृष्ण है वो परिपक्व पुरुषार्थी कहेंगे या याद करने वाला, याद की पुरुषार्थ करने वाला पुरुषार्थी कहेंगे? हैं? याद का पुरुषार्थ जब तक है तब तक पक्का नहीं कहेंगे। क्या याद करने में, पक्की याद करने में अगर एक सेकंड से ज्यादा समय लगता है निराकारी स्टेज में टिकने के लिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, विकराल से विकराल परिस्थिति भी क्यों न हो, चाहे कैसी भी अवस्था क्यों न हो, अगर एक सेकंड से ज्यादा समय लगता है निराकारी स्टेज में टिकने के लिए, तो याद कठिन कहेंगे या सहज कहेंगे? सहज सदाकाल हो सकता है या कठिन सदाकाल हो सकता है? सहज होगी याद तो सदाकाल होगी। तो सहज राजयोग की पढ़ाई अभी पूरी हो गई या नहीं है? सहज राजयोग की पढ़ाई अभी चल रही है या पूरी हो गई? चल रही है। और बाबा जो कुंती सूर्यवंशी है उनकी संख्या कितनी है? जो द्वापर युग में, युग के बाद भी वो कन्वर्ट नहीं हुए और धर्म में, उनकी संख्या कितनी है? जो पक्के सूर्यवंशी हैं, वो द्वापर युग के बाद तो छोड़ो, कलयुग के अंतिम जन्मों में भी कन्वर्ट नहीं होते हैं। हाँ, और धर्मों में जाके जन्म ले सकते हैं लेकिन कन्वर्ट नहीं होते हैं। और है उनका पॉइंट है, ये लोग ज्ञान सूर्य है, ये गुप्त ब्रह्मा अलग है, इस राष्ट्र को तो कोई मुश्किल समझ और समझ सके, उस ब्रह्मा का नाम अलग मंदिर उनके है, इस गुप्त बुढ़ी माँ का मंदिर सूर्य है। दो मम्मा हैं, एक जगदम्बा, एक बड़ी माँ, एक छोटी माँ। हाँ, छोटी माँ के छोटी मम्मा के बच्चे नहीं है? अरे आप एक आदमी बोलने दो। हाँ, ज्ञान सूर्य है, हाँ, ये तो गुप्त मम्मा अलग है, हाँ, इस राष्ट्र को तो कोई मुश्किल समझ और समझ सके, हाँ,
उस मम्मा का नाम अलग है, मंदिर उनके है। इस गुप्त बूढ़ी माँ का मंदिर थोड़े ही है। हाँ, ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाले का मंदिर थोड़े ही है। जो दाढ़ी मूछ वाली ब्रह्मा है वो जब शरीर छोड़ देगा तो जिस नौजवान मम्मा में प्रवेश करके पार्ट बजाएगा उसका गायन और उसका मंदिर होता है। जिस समय ये मुरली चलाई गई उस समय बोला गया है। हाँ जी, और बाबा, हाँ, प्रजापिता को 27 कन्या है और एक पार्वती ऐसे दिखाते हैं ना, बेटे तो दिखाते नहीं है, हैं? प्रजापिता ब्रह्मा को, हाँ, भक्ति मार्ग में, हाँ, 27 कन्याएं दिखाते हो तो चंद्रमा से शादी कर लेते हैं, हाँ, पार्वती वो शंकर से मना स्वयंवर करती है, हाँ, तो बेटे को दिखाए नहीं है, हाँ, तो फिर पार्वती को या सती को? सती, सती, हाँ हाँ बोलो। तो फिर बेटे तो है नहीं, मना शरुद्रमाला तो सारे बेटों की है ना। वो पूर्व का जन्म बताया है या बाद का जन्म बताया है? प्रजापिता तो साकार में है। प्रजापिता ब्रह्मा आदि में भी था, अभी भी है। पिता उसे कहा जाता है जो जन्म देता है। आदि में भी जन्म दिया और जिनको आदि में जन्म दिया वो सब यहाँ बैठे हैं मोस्टली या नहीं बैठे हैं? तो उनको अंत में वर्षा देगा या नहीं देगा? तो वर्षा देने वाले को भी क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। हाँ, तो भक्ति मार्ग में क्यों नहीं दिखाया? किसको? प्रजापिता को क्या नहीं दिखाया? अरे प्रजापिता को तो प्रजापिता तमो प्रधान दिखाया है। दाढ़ी का मुंह बनाई, वो बकरे का मुंह बनाई दिया। किसका? प्रजापिता का। हाँ, प्रजापिता का ही तो बन जाता है। तो बेटे ने दिखाया, बेटियां दिखाया। हाँ, जो तमो प्रधान बनता है उसको जो दुर्योधन दुशासन है वो वर्षा लेने के लायक बनते हैं, या जो दुर्योधन दुशासन नहीं है कन्याएं माताएं हैं वो पक्का वर्षा लेने लायक बनते हैं आज की दुनिया में भी। कन्याएं जो हैं वो अच्छी पढ़ाई पढ़ती है या पुरुष लोग अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं? तो फिर नाम बाला किससे होता है? हैं? कन्याओं से ही नाम बाला होता है। और हाँ, आज की वीडियो में आज इस जन्म में ही पढ़ाई पड़ी थी और इस शरीर से ही देव आत्मा बनेगी, तो साकार मूल्य में आता है कि तुम्हारे अंतिम स्टेज होगी तो तुम्हें साक्षात्कार होगा, देवता बनेगी, तो ये ऐसा हो सकता है? माने हो सकता है, माने प्रश्न चिन्ह हो गया, प्रश्न चिन्ह हो गया, माना प्रश्न चित्त है या निश्चय बुद्धि है? तेरे की नहीं, झूठ बोलता है। जो प्रश्न चित्त है कि ऐसा हो सकता है क्या, तो निश्चय बुद्धि नहीं है तो प्रश्न पैदा होता है। तो अगर प्रश्न है भी तो बाबा समाधान देते हैं कि नहीं? अब प्रश्न को दोहराओ। तो आप प्रश्न बताओ ना, है? तुम्हारा प्रश्न क्या है? हैं? क्वेश्चन मार्क हम नहीं पूछ रहे, हम आपका प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या है, क्या पूछना चाहते हैं? जब हमारी स्टेज होगी आत्मिक स्टेज, बाबा ने बोला है साकार वाणी में कि साक्षात का होगा, हाँ, ये देवता बनेंगे, हाँ, बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। अगर बुद्धि का साक्षात्कार नहीं हुआ है तो ज्ञानी है या अज्ञानी है? तो अज्ञानी की लिस्ट में हो गए। जो अज्ञानी की लिस्ट में हो गए वो भक्त बनेंगे,
या देवता बनेंगे? क्या बनेंगे? हाँ, भक्त बनेंगे। भक्त जो हैं, वो भगवान के बच्चे नहीं बनते हैं। क्या बनते हैं? हैं? भगवती रहते हैं। हाँ, बुद्धि भागती तो जरूर रहती है, लेकिन गोद के बच्चे नहीं बन पाते। और माना जो बच्चे होंगे वो इसी शरीर से, इसी शरीर की बुद्धि, मन और बुद्धि से अपने पद का साक्षात्कार बुद्धि से करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। नहीं करेंगे इसका तो सवाल ही नहीं। अगर नहीं करेंगे तो सूर्य ज्ञान सूर्य के बच्चे नहीं है। किसके बच्चे हैं? या तो चंद्रमा के बच्चे हैं, या तो ये इस्लाम के बच्चे हैं, या बौद्ध के बच्चे हैं, माने कोई और धर्म के बच्चे हैं, लेकिन सूर्य के बच्चे नहीं है। हाँ बाबा, अभी नोटों पर और कॉइंस पर इनके गांधी जी के चित्र है ना? हाँ जी। पहले नेहरू के रहते थे, तो ये करेंसी फेल होगी तो नेहरू के बनेंगे कॉइंस? तो फेल हो गई तो क्यों बनेंगे? फिर तो करेंसी ही फेल कर दी। तो फिर आगे नोट चलेंगे तो नेहरू के नहीं चलेंगे? जो जो होगा उसके बनेंगे। अरे अंत में सारी दुनिया एक को मानेगी या नेहरू गांधी जी को मानेगी? तो उसी को चित्र लेकर के घूमेंगे। जो भक्त भी होते हैं भक्ति मार्ग में, वो लॉकेट पहनते हैं, तो लॉकेट में अपने गुरु का चित्र रखते हैं या नहीं रखते हैं? वो तो अज्ञानी है, गुरु को ही भगवान समझते हैं। यहाँ तो ज्ञानी है ना, हम जानते हैं वो हमारा बाप भी है, हमको समझाने वाला टीचर भी है, और वो हमारा गुरु भी है। हाँ, तो करेंसी की जरूरत नहीं आगे प्रत्यक्षता के बाद? धीरे धीरे चेंज होता है या एकदम चेंज हो जाता है? प्रत्यक्षता जो होगी वो सबके सामने एक साथ हो जाएगी या धीरे धीरे होती रहेगी? धीरे धीरे होती रहेगी। और बाबा, ईश्वर का अंत पाया जा सकता है लेकिन उसकी रचना का अंत नहीं पाया जा सकता। मतलब वेद में अंत क्या है? ईश्वर है शिव बाबा, और उसकी रचना कौन है? पहली ब्रह्मा। ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला या संपन्न रूप वाला? दाढ़ी मूछ वाला। हाँ, जो संपन्न रूप ब्रह्मा का होता है, जिसकी पूजा होती है, वो स्त्री चोले में पूजा होती है या पुरुष रूप में? स्त्री चोले में पूजा होती है। तो जिसकी स्त्री चोले में पूजा होता ही है होती है, उस स्त्री चोले में दो आत्माएं हो गई। कौन कौन? एक ब्रह्मा की आत्मा दादा लेखराज की, और हैं, और जगदम्बा, और जगदम्बा। तो जो जगदम्बा है वो मुख्य आत्मा हुई या ब्रह्मा बाबा मुख्य आत्मा हुई? माने शरीरधारी मुख्य आत्मा होना चाहिए। हाँ, मुख्य कौन हुआ उन दोनों आत्माओं में? ब्रह्मा ही मुख्य हुआ। तो जो ब्रह्मा मुख्य है उसी के लिए कहेंगे। क्लियर नहीं हुआ? क्या ब्रह्मा प्रवेश करते हैं जब जिस चरण में? हाँ, तो उसका तो रचना हुई ना बाप की, तो उसका बाबा आपने अभी समझे है ना? हैं? अभी समझे है ना कि प्रवेश कर तो मुख्य ब्रह्मा ही हुआ ना? हाँ जी। तो श्री चोले में प्रवेश की तरह भी उनकी पूजा होती है, पहले नहीं होती, दाढ़ी मूछ वाले होते हैं। हाँ, ये इतना समझ में आया।
की बेटी निर्वशन दादी ने शरीर छोड़ा ना अभी, तो फिर वो तो बाबा की बच्ची थी ना, मतलब वो ऐसी विरोधी नहीं थी, नहीं साकार पार्ट की, साकार ब्रह्मा के पार्ट की विरोधी नहीं थी, नहीं साकार पार्ट की भी विरोधी नहीं थी, प्रजापिता की, प्रजापिता की विरोधी भले नहीं थी, लेकिन आसुरी संप्रदाय वालों ने इंजेक्शन लगा लगा के उनकी बुद्धि को डंप कर दिया, उनको कुछ भी याद नहीं रहा पूर्व का, पहले जन्म आदि के जन्म का। तो अभी शरीर छोड़ने के बाद प्रवेश करेगी तो याद आ जाएगा? ओ जरूर प्रवेश करेगी। किसके ग्रुप में? ब्रह्मा के ग्रुप में प्रवेश करेगी या इस्लामी बौद्धियों के ग्रुप में प्रवेश करेगी? ब्रह्मा का जो ग्रुप है सूक्ष्म वतनवासियों का, उसी ग्रुप में रहेगी और सूर्यवंशी बच्चों में प्रवेश करेगी। तब याद आके फिर बताएंगे। वो तो परदादी नाम दिया है ना, है? और आज मुरली में नाम बोले, जिन जिन ब्रह्मा कुमारियों को नाम दिए उनमें पहला नाम किसका है? बाबा को याद आया, निर्मल शांता का। तो जो माताएं होती हैं, माताओं की माता दादी होती है, दादियों की माता परदादी होती है, और दादियों की माता तरदादी परदादी होती है ना, तो ज्यादा प्योरिटी आदि वालों में होती है या बाद वालों में होती है? तो यहां भी नाम दिया परदादी, किसको? निर्मल शांता को। तो जिनको परदादी नाम दिया वो एडवांस पार्टी की कोई परदादी होगी या नहीं होगी, जिसमें सबसे जास्ती प्योरिटी हो? है काशी नगरी, उसमें प्रवेश करने वाली है और पावर देती है, और प्रवेश करके अपना श्रृंगार करेगी या नहीं करेगी। इसलिए एडवांस पार्टी के बच्चों से बोला है, तुम बच्चों ने इन दीदी दादियों का भी श्रृंगार किया है यज्ञ के आदि में। किस बात से श्रृंगार किया? नहीं, धारणा में श्रृंगार किया, और अब ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करेंगे। जो आदमी किया सो अंत में भी करेंगे। और आदमी कैसे किया? आदमी धारणाओं में श्रृंगार किया, शरीर के पिछले शरीर के। हाँ, और हाँ जैसे दृष्टि में सृष्टि कहा जाता है, हाँ, तो जो राम ही रावण बनता है अंत में, हाँ, तो उस पार्ट को अच्छा देखने वाले कितने होंगे? 8 होंगे या इस पार्ट भी सृष्टि होंगे? 8 जो हैं वो आदि से अंत तक कल्प के 84 जन्मों में भी सहयोगी बन के रहते हैं या विरोधी बनते हैं बीच में कभी? तो जो जन्म जन्मांतर के सहयोगी हैं उनकी बुद्धि ग्लानी करने की बनेगी। हाँ, अंतिम जन्म में उनको माया पछाड़ती है या नहीं पछाड़ती है? पछाड़ती है। तो शूटिंग पीरियड में भी पछाड़ेगी या नहीं पछाड़ेगी? है पछाड़ेगी। जब पछाड़ेगी तो थोड़े समय के लिए माया के प्रभाव में आ जाएंगे, प्रभाव में आ जाएंगे तो थोड़े समय ग्लानी भी करेंगे। तुम बच्चों को टॉपर से संबंध में 40 से 50 वर्ष, 100% तब प्रकार से संबंध में 40 से 50 वर्ष करते हैं। हाँ, तो 2028 में तो 120 कंप्लीट हो जाएंगे। 2028 तक तो 120 कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ, तो 108 की नजर में सभी में आप किसको कितनों को समझते हैं? 108। हाँ जी, ठीक। हाँ ठीक है, तो 108 की नजर में भी वो पार्ट धारी अच्छा माना, जो बोला है रामी राम मिलता है, तो वो पार्ट धारी अच्छा साबित होगा उनकी नजर में कुछ समय में? नहीं,
दुनिया 2028 के बाद तमो प्रधान नहीं बनेगी क्या? लेकिन वो तो सबसे पहले मनी हुए, ठीक है बन गए सो बन गए, लेकिन उसके बाद दुनिया 2036 तक तामसी नहीं बनेगी क्या? तो उनका बाप नहीं आया हुआ है? इनका 108 का उसके बाद भी नीचे स्टेज में जो बाप के बच्चे हैं वो बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो बाप के बच्चे हुए पहचान करके हैं? जैसा बाप का डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन पर अगर नहीं चलते हैं, धर्म पिताओं के डायरेक्शन पर चल पड़ते हैं तो बाप के बच्चे हुए या और धर्म वालों के बच्चे हुए हैं? औरों के बच्चे हो गए। तो वो तो बाप को पहचान करके बाप के ही डायरेक्शन पर चलेंगे। और माउंट आबू में जो सेवा हुई पहली बार, कलकत्ता के बाद में माउंट आबू में पूरे भारतवर्ष से भाई, कलकत्ता के बाद माउंट आबू में नहीं सीधे पूरे भारतवर्ष से भाई लोग सेवा के लिए इकट्ठे हुए। कलकत्ता के बाद माउंट आबू में नहीं, दिल्ली में भी इकट्ठे हुए थे, वैसे सेवा के लिए इकट्ठे हुए थे, लेकिन ये टाइम नहीं। कलकत्ते के बाद कहाँ गए? दिल्ली में। कलकत्ते के बाद कहाँ पार्ट बजाना शुरू किया? सिंध हैदराबाद में, सिंध हैदराबाद के कराची में, बाद में कराची से बंबई आए और बंबई से फिर माउंट आबू आए। हाँ तो यानी जो अभी 500 के करीब जो माउंट आबू में सेवा हुई, 500 के करीब 500 लोग भाई लोग भाई माताएं थे अभी। हाँ जो शिवरात्रि का जो सेवा हुआ, हाँ माउंट आबू में, तो वहाँ पे वो शूटिंग कैसे हुआ होगा? मेले मलाखड़े की शूटिंग हुई, मेले मलाखड़ों की शूटिंग हुई। मेले मलाखड़ों में क्या इकट्ठा होता है? मेला इकट्ठा होता है। अरे मिनी मधुबन ज्यादा पवित्र होता है, वहाँ पवित्र वातावरण ज्यादा होता है या धर्मशालाओं में ज्यादा पवित्र वातावरण बन जाएगा? है तो मेला हुआ या बाप का घर हुआ है? चलो बंबई के होते हुए मान तो लिया, अब बंबई या लोग तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। मैंने दो दिन पहले मुरली में सुना, उसमें ऑडियो कैसेट में बाबा ने बताया कि हमको घर घर में जाके सेवा नहीं करनी है, अपनी दुकान खोलो कि सब अपनी दुकान में आ जाए, वैसा करके बाबा का डायरेक्शन था इसके लिए। अरे अपनी भी दुकान तब खोलेंगे जब उस दुकान में आने वाले बाप के बच्चे होंगे, तभी तो दुकान कही जाएगी। तो बच्चे कहाँ से आएंगे, बिना संदेश दिए आ जाएंगे? लेकिन बाबा ने उसमें बोला कि घर घर में जाके संदेश देना नहीं है, अपने अपने घर घर में जाके संदेश नहीं देना, अपनी स्थिति ऐसी बनाओ कि वो आपके पास आ जाए संदेश ऐसा। घर आप जितने बैठे हैं उनको संदेश नहीं मिला घर बैठे? ज्यादातर को तो घर बैठे ही संदेश मिला, तो ये बाबा की बात तो झूठी हो गई, घर घर में संदेश नहीं देना। ऐसा कौन सी मुरली में बोला? ऑडियो कैसेट 1591। चलो वो 1591 ऑडियो कैसेट भी दिखा देना। और हाँ हाँ हैं बॉम्बे और दिल्ली में से निकलेंगे। हाँ हाँ दिल्ली है बाप का दिल और बॉम्बे है हर हर बम बम। दिल्ली है स्थापनाकारी और बॉम्बे है विनाशकारी।
किसका विनाशकारी? पुरानी दुनिया का विनाशकारी या नई दुनिया का विनाशकारी? तो ब्राह्मणों की भी पुरानी दुनिया और नई दुनिया होती है या नहीं होती है? तो बॉम्बे वाले ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का विनाशकारी साबित होंगे या नई दुनिया नए संगठन का विनाशकारी साबित होंगे? पुरानी दुनिया का विनाशकारी साबित होंगे। बाबा हाँ, भक्ति मार्ग को बोलते हैं ओम नमः शिवाय। शिव को नमन करता हूँ। किसको झुकता हूँ? शिव को झुकता हूँ। लेकिन झुकना करना और झुकाना करना ये निराकार की बात है या साकार की बात होती है? है? साकार की बात होती है। लेकिन भक्त इस बात को जानते हैं? वो तो नहीं जानते, ऐसे ही बोलते रहते हैं। शिव के मंदिर में जाएंगे, शिव के लिंग का दर्शन करेंगे और कहेंगे ओम नमो शिवाय। उनकी बुद्धि में ये थोड़े ही बैठता है कि ये जो लिंग रखा है ये कोई बिंदु नहीं है, ये कोई भगवान नहीं है। इस लिंग रूप बड़े रूप में साकार रूप में जो शिव बिंदु प्रवेश करता है वो ही भगवान गॉड फादर है। तो बिना जाने ऐसे ही बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ओम नमः शिवाय। ओम का भी अर्थ नहीं जानते। आ ओ म आ से ब्रह्मा, उ से विष्णु, म से महेश। माने शिव की तीन मूर्तियां साकार में तैयार होती हैं, उनों को नमन करता हूं। ये तीन पार्टधारी दुनिया के ऊंचे पार्टधारी हैं, ऊंची स्टेज में रहने वाले हैं। इसलिए ओम नमः बाद में आता है शिवाय।